वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही शानदार ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है रस बाय हाइक। ये वन ऑफ द बेस्ट कैजुअल गेमिंग ऐप है, ऊपर से प्योर मेड इन इंडिया बाय हाइक। रस में और बाकी ऐप में जमीन आसमान का अंतर है। रस में अमेजिंग गेम क्वालिटी, ग्राफिक्स एंड गेम प्ले का एक्सपीरियंस मिलता है जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। रस में आपको अलग अलग वैरायटी के गेम खेलने का मौका मिलता है, जैसे कि स्पीड लूडो हो गया, कैरम हो गया, कॉल ब्रेक हो गया, क्यूजी हो गया और बम्पर बैटल हो गया। रस लेके आया आपके लिए रस वीआईपी मेंबरशिप, जहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, बस एक बार मेंबरशिप लेनी है और उसके बाद आपको हर चीज में फायदा। जैसे कि कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें आपको कम फीस देनी पड़ेगी और जीतने का चांस भी बहुत ज्यादा रहेगा। साथ ही आपकी डेली लिमिट की विड्रॉल लिमिट भी इंक्रीज हो जाती है और एक्सक्लूसिव कैशबैक का भी मौका आपको वहाँ पे मिल जाता है। रस में आपको साइन अप करते ही मिलता है ₹50 का कैश। इसमें आप विड्रॉल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अपने पेटीएम यूपीआई और बैंक अकाउंट के थ्रू। साथ ही इसमें आपको मिलता है लकी स्पिन, जहाँ पे आप स्पिन करके डेली के डेली ₹1000 तक जीत सकते हो। तो क्या बोलती पब्लिक, मस्त ऐप है ना? तो अपने दोस्तों को बुलाओ और कमाओ ₹50,000 तक रेफर एंड अर्न का यूज करके, जो कि मेरा फेवरेट फीचर है। तो भाई लोग इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी से डाउनलोड करो रस बाय हाइक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हर लड़की की तरह है सानिया भी अपने पापा की परी है और आज के इस गेम प्ले में इंटेंस के साथ साथ बहुत सारी मस्ती भी भरी है। तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार? तो यार आज काफी दिनों के बाद हमारे साथ सानिया जी खेल रही हैं और आपको पता ही होगा कि सानिया जब भी मेरे साथ खेलती है तो मेरे साथ गलत सीन दबा दबा के होते हैं भैया। तो इस वीडियो में गलत सीन तो होंगे ही, पर साथ ही आज मैं, अन्नू और सानिया, हम तीनों एक रैंडम बंदे के साथ प्रैंक करेंगे और वो प्रैंक बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको काफी ज्यादा मजे टाइप का आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यार तुम लोग मेरे को थोड़ा सा जोश दिलाओ ना यार, कुछ बोलो तो जोश आए मेरे को। तो तुम भी हमारा मूड ही नहीं बना, हमारा मूड बना हम सबको जोश दिला। ओ भाई मेरा प्लान आ गया, अब देखो तुम लोग गेम और गेम की धार। तब से तो देख ही रहे हैं। नागपुर की पब्लिक बोले तो तकलीफ, अमूल माचो पहन के नाचो। व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? ये सब कौन बनाता है भाई? ये नंबर 2 है ना, नूबड़ है। सुनो ही मत उसकी बात, गुटका खाता। भाई नंबर 4 आप कहाँ से हो? लखनऊ। लखनऊ? ओ लखनऊ, लखनऊ से तो नंबर 1 भी है। अच्छा ऐसे की प्रैंक कर रहे हो? नहीं भाई प्रैंक नहीं कर रहे, रियल में है। इतनी अच्छी किस्मत, बताओ फिर नंबर 1 किधर से हो? लखनऊ में। भाई एड्रेस थोड़ी ना बता देगी, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम कहाँ से हो? कहाँ से? मैं आगरा। फिर तो तुमको टाइम लग जाएगा आने में। नहीं नहीं भाई, डेली आता जाता हूँ। वो डेली आते जा, ए भाई ये बंदा है क्यों? इधर ही है मेरे सामने बंदा। अब टीटीटी हो क्यों? क्या? हाँ तुम रेलवे में हो क्या? आप डेली आते जाते हो? हाँ हाँ भाई, ट्रेन का ड्राइवर हूँ। नहीं, ट्रेन के पीछे जो झंडा उड़ाते हैं ना, वही है वो। उसकी पेमेंट भी 1,00,000 होती है अन्नू। अब भी एक सरकारी नौकरी फेंक के मारूंगा ना, पूरा खानदान शादी करेगा, समझी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा ये बताओ नंबर 4, तुम्हें नंबर 1 की बात ज्यादा अच्छी लग रही है या नंबर 3 की? किसी की भी नहीं। तो जो मैंने कहा था कि मेरे मतलब गेम से मतलब है। मुझे नंबर 1। अरे अरे हाँ हम लोग, हाँ क्या बात कर रहे हैं? किसकी आवाज अच्छी लग रही है? नंबर 1 की। जली ना तेरी भी जली ना। सच्ची? अबे हीलिंग देना, हीलिंग। भाई नंबर 1 की आवाज तो अच्छी है ही, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं नंबर 3 की बोलता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि नंबर 1 तो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, तो मैं नंबर 3 पे चांस मारता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हाँ, तो क्योंकि मैं तो उनके पास रहती हूँ, मैं तो खुद ही लखनऊ की हूँ ना। अच्छा तो तुम लखनऊ के हो, इसलिए तुम नंबर 1 की तारीफ कर रहे। ये M249 क्यों इतने जोर से चला रहे हो? हटो।
अब यहाँ पर मैं सकॉट की पेटी बना देता हूँ और इनकी पेटी से मिल जाती मुझे फ्लेयर। पर जब कभी कभार किसी को फ्लेयर मिलती है ना तो देखो यार वो एक्साइटेड मैन में क्या हरकत करता है। ओए ओए ये मैंने क्या किया, गलती से जॉन की बाहरी फ्लेयर चला दी। बहुत बढ़िया, अगर दूसरे चलाए तो इतने बड़ी बड़ी बातें करते। ओए सानिया तुम मुझसे मेरी गैर मौजूदगी में मिलने लेना धोखे से भी, ठीक है? अरे मैं जानता हूँ भाई, ऐसी बात मत कर, अब भी लड़ाई हो जाएगी हम दोनों के बीच में। वैसे भी मैं बहुत अकेला टाइप का हूँ। मैं तो चाहता हूँ लड़ाई हो। क्यों भाई तू सिंगल है क्या यार जो ऐसा चाहता है? बहुत बहुत जो बोलते ना बहुत वाले सिंगल कैसे बोल रहे बहुत कैसे बोल रहे हो कैसे बोल रहे बचपन से भाई मेरे पास बंदे हैं, जल्दी जाओ प्लीज। चलो बंदे है ना, बंदी होती तो आता। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे देखिए देखिए बेटा, सर्वर भी कांप उठता है जब लगाता हूँ M249 में 150 गोली का तड़का। कि बेटा सर्वर भी कांप उठता है जब लगाता हूँ M249 में 150 गोली का तड़का। और जो लोग कहते हैं फौजी को नूब, उनके पिताजी से मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ, चूतिया तुम्हारा लड़का। अबे चार बंदों को कंटेनर के अंदर घुसे घुसे मार दिया, कम से कम थोड़ी सी तो तारीफ कर दो। सुपर्ब नहीं, ये बोलो आई हाय फौजी क्या ही खेलते हो आप। एक बोट है, लग रहा है जैसे जबरदस्ती बोलने लगा रहे भाई। इतनी तारीफ करने की जरूरत, पहले वैसे खेला कर। जैसे बोट गया अभी वैसे सब गया सब कुछ। भाई नंबर 4 5-6 साल की रिलेशनशिप है, ऐसे नहीं चला जाएगा सब कुछ, समझे? हाँ ठीक है, अभी बहुत हो गया 6 साल, अभी तो बोरिंग शो होगी। भाई मैं उसे बोर नहीं होने देता, उसे खुश रखने के लिए बहुत कुछ करता हूँ। लेकिन होती नहीं है ना तुम, इनको आता ही नहीं है, तुमसे होता ही नहीं है। रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, तुमसे बनता ही नहीं है। ये तो सही बोले, गजब बेइज्जती है। काय नंबर 4 चलिए आप चलाओ। तो मुझे आपका नाम नहीं पता ना। हाँ HY हाय। अरे सानिया उसके साथ नहीं बैठना है, मेरे साथ बैठो, चलो इधर आओ। ठीक है अच्छा, 4 नंबर वाले भैया के साथ बैठ जाओ, मैं तुमको आगे से ले लूंगा, ठीक है? और 4 नंबर हाथ हाथ मत पकड़ियो, समझे? तो मैं कुछ और पकड़ूंगा, हाथ नहीं पकड़ूंगा। सानिया वो तुमको छेड़ रहा है फिर भी तुम कुछ नहीं बोल रही यार। तो तुम नहीं छेड़ते थे, हम किसी और से छेड़ा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग गाड़ी बदलते हैं और उसके बाद मैं 4 नंबर से बोलता हूँ कि 4 नंबर ये गाड़ी देख रहे हो ना, ये मेरे को सानिया ने दिलवाई है, समझे? अब सोच लो कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। बहुत अच्छी बात है, खुद कंगाल हो गई हूँ और इसको देते देते। नंबर तो पागल हो गया है, कल सिर विर कहीं लग गई। गाड़ी 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 बग्गी 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 रुक गए। एक ऊपर और यहाँ पे एक और बंदे ऑलरेडी यहाँ पे। रुको मैं जा रही हूँ ऊपर।
बच गया है जो भी, उनको भी फिनिश कर देंगे बेटा। हाथ में मशीन गन है, 150 की 150 तेरी छाती में भर देंगे। अच्छा सानिया ये बताओ, मैं 4 नंबर से अच्छा खेलता हूँ कि नहीं? बहुत अच्छा खेलता हूँ। अरे अरे बहुत अच्छा नहीं, बस ये बताओ 4 नंबर से अच्छा खेलता हूँ कि नहीं? हाँ तो अभी तो फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, बार बार खेलूंगी तो पता चलेगा। ये 10 मैच में एक बार अच्छा खेलते हैं नंबर। वन्नू 2 मिनट शांत रहो। ओए सुनो सानिया, बार बार नहीं खेलना है, एक बार खेल लिए हो गया ठीक है, अब दोबारा नहीं खेलना और ना फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, समझी? हाँ तो जब तुम सो जाएंगे ना तो मैं फिर खेलूंगी। देखो मुझे पता है कि तुम मजाक कर रही हो, पर अब ऐसा मजाक भी मत करना प्लीज, क्योंकि मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि तेरी मेरी शादी हो, तेरे हाथ में मेरी रिंग हो। आए, आए। कि तेरी मेरी शादी हो, तेरे हाथ में मेरी रिंग हो, और फिर तुम बड़े प्यार से बोलो कि मैं आपकी रानी और आप मेरे किंग हो। वैसे तो मैं सख्त लांडिया थी, पर यहाँ मैं पिघल गई। अब यार यहाँ पे एक बंदा बाहर कैंप कर रहा था और उसे नंबर 4 मार देता है, लेकिन मारा सिर्फ एक ही बंदे को और अब एक बोट को मारेगा, पर देखना सानिया उसकी कैसे तारीफ करती है। अरे वाह, अरे वाह, किसने बोला अरे वाह? ये तो बोट है। मैं तुम्हें पकड़ लूं? अरे 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 भाई, नंबर 2 किधर आऊं मैं? बचाओ। बस हवा निकल गई। अब यहाँ पे पराए मर्द की तारीफ करने का परिणाम तो इसे मिल जाता है और मैं इसे बचा भी लेता हूँ, पर फिर मैं बोलता हूँ कि अब ऐसे खुले में लूट न मार ठीक है, लेकिन देख के अबे उठाओ। मैंने पूछा मारे क्या? अरे यार तुम थोड़ी सी पागल हो क्या यार, खुले में क्यों लूट रही हो? अरे रिलेशनशिप तुम खराब कर लोगे गेम के चक्कर में, सस्ता रिलेशनशिप। नहीं हम मैसेज करते नहीं नहीं हम मैसेज करते, ये क्या बात है पागल। अबे मेरे को लो, जाओ 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 जा। एक इसको मारो, क्या पता मैंने। अब यार पोचंकी में और बंदे बचे तो थे, पर जॉन आने वाला था तो हम लोग सीधा जॉन में निकलते हैं, और फिर यहाँ आके सानिया से मैं बोलता हूँ कि अरे यार सानिया तुम क्या बात बोलती हो कि मैसेज ऐसे करते हैं, कुछ अच्छा सा नहीं बोल सकती थी क्या? सिखाना था पहले, बोल देती कुछ भी कि हम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं, 2 शरीर 1 आत्मा है हम। बस बस बस, मतलब मैं सुनते सुनते पक गए, अब 4 नंबर भी क्या अपना पकाए। अब देखो भैया रिलेशनशिप में जो भी रहता है वो निब्बा निब्बी वाली बातें तो जरूर करता है, जैसे कि बाबू ने थाना थाया, बाबू मैं मैदी था रहा हूँ तुम भी थाओ दी क्या। खैर इन सब बातों को हटाओ, एक शायरी सुनो। कि एक नंबर वाली लड़की से प्यार हो गया हमको थोड़ा है, कि एक नंबर वाली लड़की से प्यार हो गया हमको थोड़ा है, और वो 4 नंबर वाला, अरे वो तो बहुत बड़ा बहन का लौड़ा है, ये फंस गया सी है। भाई भाई बहन का भाई है पे डालो पे। अरे ऐसे चलो फिनिश हो गया, उसको रिवाइव दो। ओह माय, ऐसे
हाँ ये गाड़ी चढ़ा गया मेरे चार नंबर। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो ये चार नंबर सानिया को गोदी में उठा के ला रहा है, पर मैंने इस बात को माइंड नहीं किया था काहे कि ये गेम है, पर सानिया इस बात को माइंड करती है और देखो यार क्या कहती है। तूने मुझे उठाया ना पहली बार देखा। वो तो मैं भी उठा लूंगा यार। तुमने तो मुझे कभी उठाया ही नहीं ऐसे। ये अच्छी लाइन थी। गंदा तुम बहुत कुछ उठा लेते लेकिन नहीं उठा। चलो एक काम करो, जो आने वाला फटाक से बैठो, और तुम्हें सानिया कसम से छोड़ के जाने की इच्छा हो रही यहाँ से। ऐसे कैसे छोड़ेंगे मुझे? अरे मैं हूँ, जैसे छोड़ा तुरंत पकड़ लूंगा मैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अरे मेरी बैटरी भी खत्म है। तुम्हारी तो मैं पूरी जिंदगी खत्म कर दूंगा बेटा, अभी तो बस बैटरी खत्म हुई है। अरे समझ उतरी है, एक मिनट कर लो। नीड कर रहा कोई तो। उधर करना पीछे की साइड करने के लिए, पीछे की साइड इधर आगे से मेरी लाइट। चला चला एक मोली वाला बैठ मोली चला जाएगा। ओ वाह बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। एक और करना हुई उधर ही। देख रहे हो, मैं तो नंबर एक को देख रहा था, मेरे साथ ही थी, गई नहीं। तो चाहती थी तुम मर जाओ। नहीं अनु थी ना बचाने के लिए। ऐसे में बड़ा सख्त लौट रहा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। देखो भाई तुम कितना फूट डाल लो वो तुमसे नहीं पटने वाली, कुछ कला होगी अपने अंदर तभी इतनी अच्छी लड़की अपनी गर्लफ्रेंड है, समझे? और हाँ नंबर फोर एक बात और सुनो, मैं देखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट लगता हूँ। ये बात अच्छा मजाक था। मजाक था भाई मजाक। ये सबसे अच्छा मजाक। इसे आगे मिस कॉल है। मैं मेरे बैटरी अब लोग खेलों में देख रहा चार्ज लगा। देख के देख के गंदा। अब यहाँ पे एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट रश करते हैं, पर आगे जो होगा वो देखने लायक होएगा ही नहीं भैया। देखो यार मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। अबे मेरे ऊपर तो कहा था ना कि जब साथ खेलती है सानिया तो गलत सीन की लड़ी लग जाती है, पर कोई नहीं जो गलत है वो ही चलत है, तो जो हो गया उसे भूल जाओ और अब जरा ये सीन देखो। आवाज नहीं आ रही। तुम्हारा मन मैच में कहा था? तुम्हारा मन तो तैयार था। दिख गया आपको? अरे वो कूद रहा है, कूद रहा है वहाँ पे, वहाँ पे। तुम लोग जाओ जंप करो उसके सामने। हेलो अब तो चिकन दे सकते ना उसको। हेलो तो कर सकते। जो बोल रहा है वो फर्जी वाड़े में जिसने पैसा उड़ाया किधर है वो? एक के वायरस। हेलो हेलो माइक तो ऑन कर लो हीरो। हेलो अब इन लोग दिमाग लगा रहे थे कि इसको चिकन कैसे दें, तो मैं बोलता हूँ कि उससे बोलो कि मार दे हम तीनों को तो उसकी केडी भी बढ़ जाएगी और चिकन भी मिल जाएगा, पर वो चाचा मारते नहीं है। तो फिर मैं बोलता हूँ कि एक काम करो जॉन के बाहर गाड़ी लेके जाओ, जॉन बच गया वो जीत गया। और देखो अब आगे। नहीं नहीं ये भी मैं आओगे तुम
नहीं वो मर जाएगा पहले, देखते कौन मरता है। अब जिसको मरता है वैसे भी एक नंबर के वो भी बोली थी वो विजेता को जीतने पर बोला जाता है विनर विनर, और लास्ट बंदे को मार के टीममेट ने करा दिया चिकन डिनर। वैसे चिकन डिनर तो हम लोग चाह रहे थे कि उस बंदे का हो, लेकिन धोखे से हमारा हो गया। खैर ये बताओ कि आज का ये गेम प्ले आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और साथ ही इंस्टा में फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत जय माता दी।